अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाएंगे चॉकलेट स्पंज केक बिना ओवन के और बिना हैंड बीटर के। आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पर आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही स्पंजी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हम बग़ैर ओवन के बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम कॉफ़ी मिक्सर बनाएंगे। कॉफ़ी मिक्सर बनाने के लिए हमें 1/4 कप पानी चाहिए। पानी गर्म होना चाहिए और इसमें हम 1 टीस्पून कॉफ़ी ऐड करेंगे। अगर आपको तेज़ फ्लेवर पसंद हो तो आप इसमें 2 टीस्पून भी ऐड कर सकती हैं। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद साइड पर रखेंगे। एक छलनी लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी कि मैदा। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड कप ले रही हूँ, 1 कप मैं ऐसे ही लूँगी। और इसके अलावा 12 टेबलस्पून हम फ्लोर लेंगे यानी कि मैदा लेंगे। इसमें हम 8 टेबलस्पून कोको पाउडर मिलाएंगे, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून। याद रखें कि मेजरमेंट आपने एक्यूरेट ही रखनी है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से सिफ्ट कर लेंगे, अच्छे से छान कर मिक्स करके साइड पर रख देंगे। एक दूसरा बॉल लेंगे और इसमें हम 2 अदद अंडे तोड़ के डालेंगे। याद रखिए कि अंडों का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए यानी कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं होने चाहिए। अगर छोटे अंडे हो तो आप 3 अदद भी ले सकती हैं। इसमें हम पाउडर चीनी ऐड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे इसमें फाइन शुगर ऐड कर रही हूँ, लेकिन इसको बीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए अगर आप हैंड बीटर से इस तरह करके विस्कर से बना रहे हैं तो बेहतर ये है कि आप पाउडर शुगर यानी कि आइसिंग शुगर यूज़ करें। सिंपल आप घर में इसे पाउडर बनाकर इसे छानकर 1 कप चीनी यूज़ कर सकती हैं। ज़्यादा मीठा पसंद हो तो 1.5 कप भी यूज़ कर सकती हैं। ये अब अच्छे से क्रीमी हो गया है, तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने बीट कर लिया था। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, कोई सा भी ऑयल आप ले सकती हैं, 1/2 कप। अच्छे से हम बीट करेंगे। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे, ये फुल फैट मिल्क है, ये भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ये हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप। थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करते जाएंगे और इसे बीट करते जाएंगे। याद रखें कि दूध भी हमारा ठंडा नहीं होना चाहिए। अब हम जो ड्राई फ्लोर मिक्सर था वो हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें शामिल करते जाना है और हैंड विस्कर की मदद से इस तरह करके मिक्स करते जाना है। मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर रही हूँ और ये आप देख सकती हैं बलून विस्क या फिर हैंड विस्कर की मदद से इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं इसमें वेनिला पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। मेरे पास वेनिला एसेंस नहीं है, अगर आपके पास वेनिला एसेंस हो तो आप 1 टीस्पून वेनिला एसेंस इसमें ऐड कर सकती हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें जो हमारी कॉफ़ी थी हमने बना के रखी थी, अगर ये ठंडी हो चुकी हो तो आपने इसको फिर से गर्म कर लेना है। याद रखें कि आपने इसमें गर्म कॉफ़ी ही ऐड करनी है। ये आप देख सकती हैं कि मिक्सर हमारा ऐसा होना चाहिए। सारी कॉफ़ी हम इसमें ऐड कर देंगे और इस तरह का पोरिंग बैटर हमारा होना चाहिए। अब हम एक 7 इंच का केक पैन लेंगे और इसे ग्रीस करेंगे बटर की मदद से या फिर ऑयल की मदद से। इसके ऊपर पार्चमेंट पेपर या फिर बटर पेपर, जो भी आप प्रोनाउंस करें, वो हम इसके ऊपर इस तरह करके रखेंगे। मैं कटिंग बाहर से करती हूँ यानी कि मैं पहले गोल कटिंग नहीं करती, इस तरह करके रख लेती हूँ, इसे स्टिक कर लेती हूँ और इसको ऊपर से स्प्रिंग फॉर्म की मदद से टाइट करने के बाद इसको मैं कट कर लेती हूँ। साइड से हम एक्स्ट्रा जो होगा वो हम कट कर लेंगे और जो बीच में बटर पेपर होगा उसे भी हम ग्रीस कर लेंगे, साइड्स को भी हम ग्रीस कर लेंगे। जो बैटर है हमारा उसे हम केक मोल्ड में डालेंगे। सारे का सारा मैंने इसमें डाल लिया है। अब हम इसे अच्छे से इस तरह करके मिक्स करेंगे ताकि जो इसके एयर बबल्स होंगे तो वो इसमें से निकल जाएं। इस तरह करके आपने इसे टैप करना है क्योंकि ये मस्ट है। अगर इस तरह से करके आप इसे टैप करेंगी या फिर इस तरह कोई टूथपिक लेकर बीच बीच में इस तरह करते जाएं तो इसके जो एयर बबल्स होंगे वो इससे निकल जाएंगे।
एयर बबल्स इसके मस्ट हैं। एयर बबल्स अगर इसमें होंगे तो ये अंदर से होलो बनेगा, यानी कि इसमें सुराख रहेंगे। अब हम एक पतीला लेंगे। पतीले को मैंने प्रीहीट कर लिया है। याद रखें कि इस सारे प्रोसेस से पहले ही आपने पतीले को प्रीहीट करने रख देना है। तकरीबन 20 मिनट के लिए हमने इसे लो टू मीडियम पर प्रीहीट कर लेना है। पतीला हमारा अच्छे से प्रीहीट हो गया है। पतीले को प्रीहीट करने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इस तरह करके नमक डालेंगे और इसके ऊपर जाली रखेंगे और इसको ढककर तकरीबन 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम आंच पर हमने इसे प्रीहीट कर लेना है। अब हम केक मोल्ड इसमें रखेंगे। मैं स्क्रैपर से जो इसके साइड्स हैं वो थोड़े से ऊपर को आ गए थे, तो स्क्रैपर की मदद से इस तरह करके मैं बीच में शामिल कर रही हूँ। और अब हम इसे ढककर लो टू मीडियम हीट पर 35 से 45 मिनट तक, यानी कि 35 से 45 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे। यह आप देख सकती हैं कि आँच इतनी होनी चाहिए। मेरे तकरीबन 45 मिनट लगे हैं इसको कुक होने में। यह आप देख सकती हैं केक हमारा बिल्कुल भी रेडी है, बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही स्पंजी। बीच में आप टैप करके देख सकती हैं, हाथ की मदद से दबाकर आप देख सकती हैं ये इस तरह करके, तो ये अच्छे से कुक हो गया होगा। दूसरा तरीका ये है कि कोई सा भी टूथपिक या फिर कोई वुडन स्क्यूअर लेकर आप बीच में इंसर्ट कर लें, बिल्कुल बीच में आपने इस तरह करके इंसर्ट कर लेना है। ये बिल्कुल क्लीन निकल आया है, तो अब हम इसमें ऐसे ही रहने देंगे और तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद इसे निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद हमने अच्छे से ठंडा कर लेना है और फिर इसकी साइड को खोलकर हमने इसे टर्न करके इसका बटर पेपर रिमूव कर देना है। याद रखें कि आपने 30 मिनट से पहले पतीले को नहीं खोलना। अगर आप 30 मिनट से पहले पतीले को खोलेंगे तो इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और केक हमारा सही नहीं बनेगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप 30 मिनट बाद पतीले को खोल कर देख लें। अगर केक आपका बेक हो चुका हो तो ठीक है, नहीं तो 10 से 15 मिनट आप इसे मज़ीद बेक कर सकती हैं। यह मैंने इसका बटर पेपर रिमूव कर दिया है और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट हमारा चॉकलेट स्पंज केक तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए, बिना ओवन के और बिना हैंड बीटर के बहुत ही ईजी है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कर सकती हैं। हमें ज्वाइन कीजिए हमारे फेसबुक पेज लाइवली कुकिंग पर। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।